यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। बरेली में इंटरमीडिएट की परीक्षा में स्नेहा पटेल ने जिला टॉप किया है। स्नेहा पटेल बरेली के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल की छात्रा है। जिला टॉप करने की खबर मिलने के बाद से ही स्नेहा के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। स्नेहा ने 91.40% अंक पाकर बरेली जिले में पहला स्थान पाया है। वहीं बरेली के लालता प्रसाद इंटर कॉलेज के छात्र श्रियांश पाठक ने जिले में दूसरा स्थान प्राप्त करके अपना अपने परिवार का नाम रोशन किया है। इसके अलावा बरेली के कांति कपूर कॉलेज की छात्रा पलक गंगवार और दीक्षा गंगवार ने पूरे में क्रमशः 6ठा व 7वां स्थान प्राप्त किया है। जिले के टॉपर छात्रों के घर परिवारों व मोहल्लों में खुशी का माहौल है। बरेली जिले में टॉप करने वाली स्नेहा पटेल ने बताया कि उनकी सफलता का श्रेय उनके परिवार और उनके गुरुजनों को ही जाता है, जिनकी मेहनत की वजह से वह जिले में टॉप कर पाएंगे। नाम है आपका? स्नेहा पटेल। स्नेहा, आज आपने बरेली में टॉप किया है। यस सर। किसको देंगे क्रेडिट? इसका श्रेय तो मतलब सारे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स सभी को है, क्योंकि सबने बहुत हेल्प की। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी सभी मेरी हेल्प करते थे, तो मतलब सबको, अपनी टीचर्स और अपने मम्मी पापा को। कैसे संभव हुआ, किस तरह, कितना पढ़ाई करते थे, क्या करते थे? पढ़ाई जितना स्लिप मतलब जितना जिस अकॉर्डिंग जितना नीड होता था उतना करते थे। डेली टारगेट बनाते थे, फिर उसको कंप्लीट करते थे। तो इस तरीके से हो गया पूरा। आगे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि पापा का भी सपना है, तो फिर उसको तो पूरा करना ही है, तो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या सब्जेक्ट थे आपके? कितने? 12th में PCB थी मेरे पास, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में 97 मार्क्स हैं, और इंग्लिश में 75 हैं, हिंदी में 92 या 93, उसमें नहीं पता, ऐसे 92 और 93। और क्या बचा? बायो 93 है। मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरी बेटी ने हाई स्कूल में भी टाइप किया था, इंटर में भी टॉप किया है, और सभी छात्राओं से, विशेषकर लड़कियों से निवेदन है मेरा कि शुरू से ही मेहनत से पढ़ाई करें और समाज को अच्छा संदेश दें, और किसी भी बहकावे में ना आएं, अपना मार्ग प्रशस्त करें। और जो है, मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता हूं, और समाज को ये कहना चाहता हूं कि लड़कियों को बोझ ना समझें और उन्हें आगे बढ़ाएं। कितनी देर पढ़ाई करती थी परीक्षा के दौरान, आपने देखते थे, कितना सहयोग रहा आप माता पिता का? इनका कोई टाइमिंग नहीं थी, ये जब भी अपना जो है टारगेट बनाती थी तो सुबह शाम रात इनके कोई टाइमिंग नहीं थी, बस अपना जो है टारगेट को पूरा करती थी पहले बैठ के, उसके बाद ही खाना पीना सोना जो भी होता था, पहले पढ़ाई उसके बाद बाकी। और सर, आपकी कौन सी पोजीशन आई है यहाँ पे, और किस तरीके से आपने पढ़ाई करी, किस तरीके से तैयारी करी है इस पोजीशन में? आप यहाँ खड़े हो तो पोजीशन पर डेली रिवाइज किया, उसके बाद उसका रिवीजन कर दिया। एक साथ यहाँ छठी बर्थडे मिली है मैंने।